गिरिडीह पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पिछड़ों के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 36% करने की मांग पर एक दिवसीय धरने का आयोजन गुरुवार को झंडा मैदान में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवराज ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मोर्चा के केंद्रीय प्रधान महासचिव प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री भूपेंद्र चंद्रवंशी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान महासचिव प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि आरक्षण प्राप्त करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान में प्रावधान है कि वह पिछड़ी जातियों के उत्थान, विकास, न्याय, सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए नौकरियों में आरक्षण प्रदान करे। अगर सरकार नहीं जागी तो पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा राज्यव्यापी चक्का जाम करने को बाध्य होगा। कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष देवराज, अधिवक्ता प्रमोद चंद्रवंशी, बैजनाथ महतो, सरजू गोप, भूपेंद्र चंद्रवंशी, परमेश्वर मंडल, प्रोफेसर विवेकानंद कुशवाहा, हेमराज साहू, महेंद्र वर्मा, विनोद मंडल, अरुण राणा, गयासुद्दीन अंसारी, सरफराज अंसारी, मनीष राज, भूषण प्रसाद वर्मा, शिवबालक राणा, हरिहर वर्मा, राजू शर्मा आदि ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बढ़ चढ़कर भाग लेने वालों में अनिल कुमार वर्मा, गोपाल विश्वकर्मा, दिनेश वर्मा, मुन्ना मंडल, घनश्याम वर्मा, जगन्नाथ देव, रतन गुप्ता, राजू मंडल, अशोक यादव, देवनंदन साहू, ओम प्रकाश गुप्ता, सुनील रवानी आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम अभी अपने सभी लालचंद महतो जी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा